नमस्कार दोस्तों, अभी की बड़ी खबरें आ रही है। अभी की बड़ी खबर एसटीजी न्यूज चैनल पर हम दिखा रहे हैं। खबर क्या है इस वक्त की? ब्रेकिंग न्यूज है, बिहार के सिवान में क्यों हुआ डॉक्टरों का कैंडल मार्च। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं, आयुष सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से एक खबर निकल के सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्या जीएनएम को भी कैंडल मार्च करना पड़ेगा? नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार और आप एसटीजी न्यूज चैनल देखना शुरू कर दिए। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज जो हम आपको दिखा रहे हैं, आयुष सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से निकल के सामने आ रही है। खबर में यही है कि 3,270 जो आयुष चिकित्सकों के नियमित नियुक्ति के प्रक्रिया में विलंब होने के कारण चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के लिए ये उग्र हो गए हैं। और क्या है पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जो सिवान से निकल के आ रही है, जहां पर 3,270 आयुष चिकित्सकों के नियमित प्रक्रिया में विलंब होने के कारण इन लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। और पूरी रिपोर्ट आप अगली वीडियो में आप देखिए। अभी सीएस ऑफिस यानी सिविल सर्जन महोदय के जो ऑफिस है, वहीं ये तमाम आयुष डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं, जो आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और एक मिला जुला के जो इनका एक दो एसोसिएशन है, वही ये डॉक्टर्स हैं और आज साथ हैं। आप हमारी मांगों को सुनिए। सरकार तो बदली लेकिन आप लोगों की दशा दिशा नहीं बदली। उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ तो हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार को कह रहे हैं कि भाई आप मेरी सुनिए। हम हाल फिलहाल में आप लोग आंशिक तौर पर हड़ताल भी आप लोगों ने किया था, ड्यूटी में गए थे लेकिन काम नहीं किया। वन डे हम लोगों ने कलम बंद किया था, एक दिन काला बिल लगाया था और आगे भी हम इसको चरणबद्ध रूप से हम लोग तकनीकी आयोग का घेराव करेंगे। सरकार के डिफरेंट मुद्दों पे अलग अलग जगहों पे हम लोग अपनी बात को रखेंगे, चूंकि प्रजातंत्र है, अपनी बात करने का अधिकार। आयुष की कौन कौन, आयुष डॉक्टर्स की कौन कौन सी संस्थाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं इस आंदोलन में? सभी संस्थाएं हैं, चूंकि सब लोग हैं। इसके लिए इन्हें नहीं मिलता मूल रूप से और मुख्य रूप से कई मांगों में एक मुख्य रूप से ये मांग है। ये देख, आंशिक रूप से आप लोग हड़ताल किए थे, गए थे लेकिन काम आप लोगों ने नहीं किया था, तो क्या ये अंदाजा लगाया जाए कि ये हड़ताल लंबा होने वाला है, आप लोग पूर्ण रूप से हड़ताल में जाएंगे? अगर जब मांग पूरा हो जाएगा हम लोग उतने पे रिटर्न हो जाएंगे। अच्छा, जब मांग पूरा हो जाएगा रिटर्न हो जाएंगे। पीएससी सिवान। पीएससी कहाँ पर? सदर ब्लॉक सिवान। अच्छा, सदर ब्लॉक। हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री पद हेल्थ मिनिस्टर भी हमारे हैं विभाग के, हम लोग को उम्मीद पहले सरकार से भी थी और इस सरकार से भी उम्मीद है हम लोग का है, जो सरकार काम करेगी इसके बारे में। हम डॉग की ये तस्वीर, डॉक्टर्स का ये जत्था, आयुष डॉक्टरों का ये जत्था। आयुष डॉक्टरों ने लेटर के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की है आयुष सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से। जो अगली रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं जिसमें आपको लेटर दिखाई देगी, आप लेटर के सिलसिलेवार ढंग से पढ़िए और उनकी क्या नाराजगी है। जैसा आप देख सकते हैं, आयुष सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से खबर निकल के आ रही है। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को लेटर लिखा और साफ साफ इन्होंने, सबसे इनका बड़ा मुद्दा यह है कि 3,270 आयुष चिकित्सकों के नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब होने के कारण चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के संबंध में ये बोल रहे हैं। और साफ साफ इनका कहना है कि उपयुक्त दिशा में प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आयुष सर्विसेज एसोसिएशन और बिहार के अन्य संगठन के चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा की गई है, परंतु कतिपय कास्वय और संगठन आंदोलन को वापस ले लिया गया है, लेकिन आयुष हित एवं समाज देशी चिकित्सकों को लाभ से वंचित रखने के कारण आयुष सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ बिहार में युवा स्नातक और बिहार आयुष चिकित्सक ने करीबन 12,132 आयुष चिकित्सकों के चरणबद्ध आंदोलन के लिए विवश है। यानी साफ साफ इनका कहना है कि हम लोग विवश हैं, हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, हम ऐसा नहीं चाहते लेकिन हम विवश हो रहे हैं, सरकार विलंब कर रही है। 2020 में ये फॉर्म भराया और 2022 के अप्रैल फरवरी में इसकी जो काउंसलिंग हुई, अभी तक रिजल्ट 7 महीने हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जैसा कि साफ साफ देख सकते हैं, श्रीमान निवेदन से पूर्व कहना है कि 3,270 आयुष चिकित्सकों की नियमित बहाली अक्टूबर 2020 में आया था और फरवरी 2022 में काउंसलिंग के
सात महीने बाद गुजर जाने के बाद भी अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 27 वर्ष की सीमा में जो आदेश पारित किया था उस पर अति शीघ्र निर्णय लेते हुए नियमित बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण करने की कृपा किया जाए। और ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, समाज को आयुष विद्या में से भी स्वास्थ्य को लाभ मिल सके। अब अगली बात यह निकल के सामने आ रही है कि क्या जीएनएम को भी कैंडल मार्च करना पड़ेगा, जो बीटीएससी के परमानेंट वैकेंसी आई है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर मैंने आपको बताया कि देखिए आप लोगों को जरूर आप लोगों को भी आवाज उठानी पड़ेगी। ये मत समझिए कि सिर्फ एक न्यूज चैनल से बोलने से ही सब कुछ हो जाएगा, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी आवाज को बुलंद करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि कहीं भी कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, अधिकार है आपका आवाज उठाने का। जैसे कि डॉक्टरों ने कैंडल मार्च का अपने आवाज उठाया, जैसा देखा, आप भी अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर ट्विटर के माध्यम से हो तेजस्वी यादव के, या फिर ग्राउंड पर उतरकर भी आप अपनी बातों को जरूर रखिए। इसलिए कि जब तक आप सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक वैकेंसियां मुश्किल से ही आ पाएगी। यानी कि सरकार तो लेट हुई, मतलब वैकेंसी आएगी लेकिन इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए कि हम अंदेशा लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव लगातार अपने बयान में कह रहे हैं कि हम रोजगार देने के मूड में हैं, लेकिन वो चीजें ग्राउंड पर निकल के सामने नहीं आ रही है। चाहे वो आयुष वाले हों, चाहे वो जीएनएम वाले हों, किसी की प्रक्रिया फाइनल नहीं हो पा रही है। चाहे 8853 वाले एएनएम की हो, चाहे आप 4050 के सीएचओ वाले की है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो निकल के सामने नहीं आ रही। इसका वजह यही है कि आप लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं। आप लोगों को भी आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे वो कैंडल मार्च के माध्यम से हो या कल्ला बिल्ला लगाकर आप संकेतिक सरकार के ऊपर जरूर प्रेशर बनाइए, जिससे कि आपका जो पेंडिंग है काम वो जल्द से जल्द हो। बीटीएससी की तरफ से जीएनएम की वैकेंसी लगातार आपको पता है कि सरकार कह रही है लेकिन अभी तक नहीं आई है, हम न्यूज चैनल के माध्यम से भी बता रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर उतना प्रेशर नहीं बन पा रहा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एक ग्रुप में जुड़िए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, एक हम कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और सरकार के ऊपर हम प्रेशर बनाएंगे। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि आप टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, एक वहां पर आप लोग भी अपनी राय देते हो, हम लोग भी एक मिलकर टीम की तरह काम करते हैं और जो बातें निकल कर सामने आती है वो सरकार के ऊपर यकीनन प्रेशर बनाती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी फॉलो करके आप हमसे जुड़िए। तो वक्त हो गया है विदा लेने का, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। यूट्यूब पर देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे थे इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।